दिल्ली से हैं मनोरमा जी, स्वागत है आपका हेलो सर, जी। मुझे अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम बतानी है। जी उन्हें कैरेस्टोल भरा हुआ है और उन्हें पूरे शरीर में पेन रहता है। ठीक है, उम्र बता दीजिए। उम्र उनकी होगी 46, सॉरी 42, 42। हाँ देखिए, मैं कहता हूँ कि 40 साल की उम्र जो है, यहाँ से ये सब बीमारियाँ आना शुरू होती हैं। कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर बढ़ता है, ये कोई बीमारी नहीं है। 40 साल के बाद हम सबका, आपका भी मेरा भी हर किसी का कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर बढ़ता है। इसको पतला रखना चाहिए, और फिर ये ब्लड प्रेशर कर देता है, फिर ये हार्ट ब्लॉकेज कर देता है, फिर ये ब्रेन का कोई अटैक आएगा या दिल का कोई मर्ज आता है। तो 40 साल से शुरू करना चाहिए एक नुस्खा, बल्कि आपके हस्बैंड को दो नुस्खों की ज़रूरत है। ये कलौंजी का सिरका लें, 2 या 3 चम्मच एक गिलास पानी में मिला लें, और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर दिन में एक बार या दो बार दिया करें, तो ये डायबिटीज नहीं होने देता, हो तो कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर हो तो कंट्रोल करता है, और कोलेस्ट्रॉल को ये रोकता है। ज़रूरत जितनी है इतना रोकता है, बाकी को निकाल देता है। हार्ट हार्ट के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट ब्लॉकेज के लिए बड़ा मुफीद है, और ब्रेन हेमरेज नहीं होने देता, और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में एक बार या दो बार दिया करें, और 6-7 महीने लगातार दें। अगर आपको ये चाहिए कि वो पूरे अच्छे हो जाए, उनकी दवाएं भी दें, लेकिन ये ज़रूर दें। फिर ये जो दर्द है उनके, उसके लिए आप गौंद स्याह खरीदें, और आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद खाएं। असली गौंद स्याह अगर मिल गया तो उनको इस रोग में भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।